बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ मोहम्मद शरीफ। आज जो हमारा टॉपिक है वो है अबाउट लेंज़ लॉ। स्टूडेंट्स, प्रीवियस लेक्चर में हमने फेराडेज़ लॉस के बारे में डिस्कस किया था कि फेराडेज़ लॉस क्या होते हैं। टू लॉस थे, एक हमारे पास था कि अगर हमारे पास फील्ड में जो कॉयल है उसमें अगर फ्लक्स चेंज हो रहा होता है सो वहाँ पर EMF इंड्यूस होगा, और ये सेकेंड लॉ जो था वो ये था कि हमारे पास ये EMF जो इंड्यूस हो रहा है दिस इज़ इक्वल टू द चेंज इन फ्लक्स विद रिस्पेक्ट टू टाइम, या हम कहते हैं कि इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स। ठीक है, जितना ज़्यादा फ्लक्स में चेंज आएगा उतना ही उसमें EMF इंड्यूस हो जाएगा। ये हम फेराडेज़ लॉ में डिस्कस कर चुके हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है अबाउट लेंज़ लॉ। लेंज़ ने जो है हमें करंट और मैग्नेटिक फील्ड की जो या जो इंड्यूस EMF है इसकी डायरेक्शन के बारे में बताया है कि हमारे पास यहाँ पे जो EMF इंड्यूस होगी या जो करंट इंड्यूस होगी उसकी डायरेक्शन क्या होगी। सिमिलरली जिस तरह हमारे पास जो है अकॉर्डिंग टू फेराडेज़ लॉ उसमें जो है हमारे पास ये था कि EMF इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा फाई डिवाइडेड बाई डेल्टा टी। सो अगर आपको याद हो स्टूडेंट्स, उसमें जो है हमने एक नेगेटिव साइन लगाया था और उस टाइम हमने ये बात की थी कि दिस नेगेटिव साइन शोज़ दैट द EMF इंड्यूस इन द coil will always oppose the cause due to which it produce। ठीक है, और वो cause क्या था, उस EMF को produce करने की cause क्या थी, changing flux, कि जो हमारे पास flux में change आ रहा है कि फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे हमारे पास एक coil है और यहाँ पे हम field lines ला रहे हैं या magnet जो है इसके नज़दीक ला रहे हैं, तो flux में change आ रहा था increasing flux, या जब हम उसको दूर ले जा रहे थे decreasing flux, तो फ्लक्स में वेरिएशंस आ रही थी जिसकी वजह से EMF इंड्यूस हो रहा था। अब जो EMF इंड्यूस होता है उसका रीज़न क्या है, चेंज इन फ्लक्स, चेंज इन द फ्लक्स। तो अब ये जो EMF इंड्यूस हो रहा है, लेंज़ लॉ ये कहता है कि ये जो EMF इंड्यूस हो रहा है या जो करंट इंड्यूस हो रहा है ये क्या करेगा, इसी कॉज की जिसकी वजह से ये इंड्यूस हो रहा है उसी की क्या करेगी, अपोजिशन करेगी। और EMF या करंट की इंड्यूस करने की जो काज है वो क्या है, चेंजिंग फ्लक्स। सो स्टेटमेंट जो है लेंज़ की कि द इंड्यूस करंट विल फ्लो इन सच अ डायरेक्शन सो एज टू अपोज द काज दैट प्रोड्यूस इट, कि हमारे पास जो इंड्यूस करंट है या इंड्यूस EMF, आप EMF भी कह सकते हो, इंड्यूस करंट या इंड्यूस EMF जो हो रहा है वो क्या करेगा, इस तरीके से जो है यहाँ पे प्रोड्यूस होगी या इंड्यूस होगी कि ये जो है उसी काज की ही अपोजिशन करेगा जिसकी वजह से ये क्या हुआ है, इंड्यूस हुआ है। फॉर एग्जांपल अगर आपको याद हो हमने फिर अकॉर्डिंग टू फेराडेज़ लॉ EMF इज इक्वल टू -n डेल्टा फाई बाई डेल्टा टी। सो इस केस में जो हमारे पास n है, दीज आर नंबर ऑफ टर्न्स, ये फाई जो है दिस इज़ फ्लक्स एंड डेल्टा फाई मीन्स चेंज इन फ्लक्स विद रिस्पेक्ट टू टाइम। और ये जो नेगेटिव साइन था इसके बारे में हमने बात की थी कि दिस नेगेटिव साइन शोज दैट द इंड्यूस EMF विल ऑलवेज अपोज द कॉज ड्यू टू विच इट प्रोड्यूस। तो इस EMF की इंड्यूस करने की कॉज क्या है, ये इसकी कॉज है, ये कॉज है, ये रीज़न है EMF की इंड्यूस करने की, क्या चीज़, चेंजिंग फ्लक्स, चेंज इन फ्लक्स, जो फ्लक्स में चेंज आ रहा है यही जो है काज है किस चीज़ का, EMF के इंड्यूस करने का। और यही जो EMF इंड्यूस हो रहा है ये इसी काज की, इसी चेंज की क्या करेगा, अपोजिशन करेगा। अब इसको डेमोन्स्ट्रेट करते हैं यहाँ पे स्टूडेंट्स। यहाँ पे देखें, लेट यहाँ पे हमारे पास एक कॉयल है, इसके साथ हमने गैल्वानोमीटर लगाया हुआ है। ठीक है, अब गैल्वानोमीटर क्या करता है कि जिस सर्किट में भी करंट फ्लो कर रहा होता है उस करंट को मेजर करने के लिए जो डिवाइस हम यूज़ करते हैं उसको हम नाम देते हैं गैल्वानोमीटर, या हम स्पेसिफाई कर लेते हैं फॉर स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट टू मेजर स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट, क्योंकि यहाँ पे जो करंट इंड्यूस होगी वो बहुत स्मॉल अमाउंट में होगा। सो दैट्स वाई इस स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट को मेजर करने के लिए फिर हम यूज़ करते हैं गैल्वानोमीटर। नाउ अब लेट फर्स्ट केस में हमारे पास एक मैग्नेट है, यहाँ पर एक कॉयल है, और ये हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड मीन्स इससे मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो क्या करेंगे, ओरिजिनेट करेंगे। यहाँ से नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड जो इससे क्या होंगे, ओरिजिनेट होंगे, मल्टीपल। ठीक, अब जब हम इस मैग्नेट को टूवर्ड्स कॉयल जो है क्या करते हैं, मूव करते हैं टूवर्ड्स कॉयल, ठीक है। फर्स्ट केस में हम इस मैग्नेट को जिसका एन पोल जो है कॉइल की तरफ है, तो हम क्या करते हैं, इसको मैग्नेट कॉइल की तरफ मूव करते हैं। जब हम कॉइल की तरफ मूव करेंगे तो यहाँ पे फ्लक्स लिंकेज जो है वो क्या हो रहा होगा, इंक्रीज और डिक्रीज, इंक्रीज हो रहा होगा, क्योंकि जितना कॉइल जो है मैग्नेट के नज़दीक होगा उतनी ही ज़्यादा नंबर ऑफ फील्ड लाइंस क्या होंगे इसमें से पास होंगे। अब जब यहाँ पे इंक्रीजिंग फ्लक्स आएगी तो क्या हो गया, फ्लक्स में चेंज आ गया। अब इसमें से क्या हो जाएगा, EMF इंड्यूस हो जाएगा और इस इंड्यूस EMF होने की वजह से इसमें करंट पास होगी। अब फिर प्रॉब्लम, ये जो करंट पास हो रहा है ये भी जो है क्या करेगा, एक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। क्या प्रोड्यूस करेगा, एक फील्ड, क्योंकि हमें पता है कि फॉर एग्जांपल अगर कोई एक कंडक्टर है, कोई एक कंडक्टर है, इसमें से करंट I जो है वो फ्लो कर रही है, तो इसके अराउंड क्या प्रोड्यूस हो जाता है, फील्ड प्रोड्यूस हो जाते हैं। ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं इसको कि जब भी किसी करंट कंडक्टर में से, करंट कैरिंग कंडक्टर में से या कोई एक कंडक्टर इसमें करंट पास हो रहा होगा तो इसके अराउंड क्या प्रोड्यूस हो जाएगी, फील्ड प्रोड्यूस हो जाएगी। अब जब इस कॉइल में करंट प्रोड्यूस हो जाएगा या इंड्यूस हो जाएगा, हम वर्ड यूज़ करते हैं इंड्यूस, तो इसके भी हमारे पास क्या होगा, एक मैग्नेट प्रोड्यूस, यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाएगा जिसको हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड कहते हैं। क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड। अब जना यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो गया है, अब उसकी अरेंजमेंट क्या होगी, उसकी अरेंजमेंट क्या होगी, चूँकि जिस तरह हमने कहा कि ये जो EMF इंड्यूस हो रहा है ये इसी कॉस के चेंजिंग फ्लक्स की क्या करेगा, अपोजिशन करेगा। सो ये मैग्नेटिक फील्ड या ये करंट जो है जिसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है, ये ख़ुद को इस तरह फ्लो करेगा सर्किट में कि इसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है वो इस मैग्नेटिक फील्ड की क्या करेगा, अपोजिशन करेगा। अब हमें पता है कि अगर नॉर्थ साइड है तो नॉर्थ साइड को कौन जो है अपोज कर सकता है, नॉर्थ साइड अपोज कर सकता है, अगर साउथ है तो उसको साउथ साइड ही अपोज कर सकता है। सो अगर यहाँ पे नॉर्थ है सो इसमें प्रोड्यूस होने वाला मैग्नेटिक फील्ड जो है वो भी इस तरह हो जाएगा कि ये वाला फेस जो है जो मैग्नेट की तरफ है इसमें भी कौन सा साइड आ जाएगा, ये नॉर्थ हो जाएगा। यहाँ पे जो फेस बन जाएगा, ये जिस फेस जो कॉइल का जो फेस होगा जो मैग्नेट की तरफ है, इस पे कौन सा पोल आ जाएगा, पोलैरिटी कौन सी आ जाएगी मैग्नेटिक फील्ड की, नॉर्थ, और दूसरे साइड पे क्या आ जाएगा, साउथ। अब जब ये नॉर्थ और ये नॉर्थ तो ये इसको क्या करेगा, अपोज करेगा, इस इंक्रीज को क्या करेगा, अपोज। फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे हमारे पास फील्ड जो है क्या है, 20 है, मैग्नेटिक फ्लक्स कितना है, 20 है। अब जब ये इसको इंक्रीज कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल 100 तक इंक्रीज कर रहे हैं, कितना 100 तक इंक्रीज कर रहा है। अब पहले कितना था, 20 ओरिजिनल, जब इसको हम नज़दीक ला रहे हैं तो ये कितना हो गया, 100 हो गया। अब इसमें इंक्रीज कितना गया, 80। सो यहाँ पे जो फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है ये उस चेंज को, अब चेंज कितना है, 80 चेंज आए, ये इसको उसी चेंज को क्या करेगा, अपोज करेगा टू बैलेंस। ठीक है, मीन्स ये कितना फील्ड प्रोड्यूस करेगा, 80, ये उतना 80 प्रोड्यूस करेगा। तो फिर अगेन हमारे पास नेट रिजल्ट फिर से कितना आएगा, 20 आएगा। सो मतलब ये है कि हमारे पास जो यहाँ पे चेंज इन फ्लक्स आ रहा है, ये चेंज इन फ्लक्स जो है इस करंट की क्या है, सोर्स है, मींस कॉज है, जिसकी वजह से ये करंट प्रोड्यूस हो रही है। तो अब जो है हमारे पास इस फील्ड में या इस कॉइल में जो करंट इंड्यूस हो गई उसकी वजह से हमारे पास फील्ड आ गया, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड। अब ये फील्ड इस तरह होगा कि ये इस मैग्नेट को क्या करेगा, अपोज करेगा, इस चेंज को क्या करेगा, अपोज। अब ये नॉर्थ है तो ये नॉर्थ, ये नॉर्थ को क्या करेगा, अपोज करेगा, अपनी तरफ आने नहीं देगा। उस इंक्रीज को जो उसकी तरफ आ रहा, जब हम मैग्नेट को जो है कॉइल की तरफ ला रहे हैं तो क्या आ रहे हैं, फील्ड में, फ्लक्स में इंक्रीज आ रहा है। सो ये उस इंक्रीज की क्या करेगा, अपोजिशन करेगा कि इसमें किसी किस्म की चेंज ना आए। अलबत्ता उसी चेंज की वजह से ये इंड्यूस हो रहा है, लेकिन अगेन ये उसी चेंज का क्या करेगा, अपोजिशन करेगा। सिमिलरली तो फिर क्या होगा, इसमें से करंट प्रोड्यूस हो जाएगी। अब यहाँ पर फिर देखते हैं कि करंट की डायरेक्शन क्या होगी, वो लास्ट में फिर यहाँ पर डिस्कस करते हैं। मीन्स इसमें लेट हमारे पास इस डायरेक्शन में जो है आपको करंट मिल जाएगी। अब करंट की डायरेक्शन क्या होगी वो बाद में फिर डिस्कस करते हैं कि यहाँ पे करंट की डायरेक्शन क्या है। अब यहाँ पे हम देखते हैं अगेन इस केस में अगर हम यहाँ पे देखें तो हम मैग्नेट को दूर ले जा रहे हैं। जब हम मैग्नेट को दूर ले जाएंगे सो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो इसमें से पास हो रही थी वो क्या हो जाएंगी, डिक्रीज हो जाएंगी, उसकी तादाद क्या होती जाएगी, कम। क्योंकि जब आप मैग्नेट को दूर ले जा रहे हो तो इस कॉइल में से जो फील्ड लाइंस पास हो रहे हैं वो क्या होते जाएंगे, कम। तो यहाँ पे डिक्रीज आ रहा है। अब क्या करेगा, इसमें जो करंट इंड्यूस हो गया या जो ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है, ठीक है, या इसमें जो करंट इंड्यूस हो गया, यह इस तरह फ्लो करेगा कि इसकी वजह से इस कॉइल में जो फील्ड आ रहा है, जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है, वो इस तरह ख़ुद को अरेंज कर लेगा कि ये इस अगेन इस चेंज की, इस डिक्रीजिंग चेंज की भी क्या करेगा, पोजीशन करेगा। अब ये किस तरह पोजीशन करेगा, देखो यहाँ पे जो हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास हो रहे हैं, अब उसकी तादाद क्या हो गई, कम। तादाद क्या हो रही है, कम, क्योंकि ये दूर जा रहा है, अवे फ्रॉम द कॉइल। अब इस फ्लक्स की वजह से, चेंजिंग फ्लक्स की वजह से इसमें ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगी। चूँकि सर्किट क्लोज है तो इसमें करंट भी आना शुरू हो जाएगा, जिसको हम इंड्यूस करंट कहते हैं। अब जब भी किसी कंडक्टर में से करंट पास होगी तो वहाँ पे क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा, जो कि ऑलरेडी हम जानते हैं। अब जब मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा तो वो मैग्नेटिक फील्ड किस तरह होगा, अब देखो यहाँ पे जब ये दूर जा रहा है तो यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड इसी कॉइल में इंड्यूस हो गया है, ये यहाँ पे किस तरह जाएगा, ये वाला फेज़ जो है ये क्या हो जाएगा, साउथ हो जाएगा। यहाँ पे जो फेस बन गया जो मैग्नेट की तरफ फेस है, कॉइल का एक फेस तो वो है, दूसरा साइड एक फेस जो मैग्नेट की तरफ, फॉर एग्जांपल ये मैग्नेट है और ये कॉइल, तो कॉइल का जो फेस इस साइड पे है, यहाँ पे पोलैरिटी क्या हो जाएगी, साउथ। अब जब ये दूर जा रहा है तो साउथ इसको अपनी तरफ क्या कर रहा है, खींच रहा है, अट्रैक्ट कर रहा है, अगेन अपोजिशन कर रहा है। जब ये इसकी तरफ आ रहा है फिर भी उसको अपोज कर रहा है, अपोजिशन कर रहा है। जब ये दूर जा रहा है तो फिर भी इसको क्या कर रहा है, अपोज कर रहा है, अट्रैक्ट कर रहा है। सो अगर हम देखें दोनों केसेस में हमारे पास जो इंड्यूस ईएमएफ है और उसकी वजह से जो इंड्यूस करंट है, और उन दोनों या इंड्यूस करंट की वजह से जो फील्ड है या जो मैग्नेटिक फील्ड आ रहा है, वो हमेशा क्या कर रहा है, जिस काज की वजह से वो इंड्यूस हो रहा है उसकी क्या कर रहा है, पोजीशन कर रहा है। इस केस में भी अपोजिशन, क्योंकि यहाँ पे नॉर्थ पोल नज़दीक आ रहे हैं तो ये नॉर्थ बन गया, ठीक है। यहाँ पे नॉर्थ पोल दूर जा रहे हैं तो ये साउथ हो गया, तो ये इसको अट्रैक्ट कर रहा है, यहाँ पे इसको रिपेल कर रहा है, यहाँ पे आने नहीं दिया था, यहाँ से यहाँ पे जाने नहीं दे रहा, तो मीन्स आने भी नहीं दे रहा और जाने भी नहीं दे रहा, दोनों। अगर हम देखें थोड़ा सा सोच रहे, यहाँ पे इसको आने नहीं दे रहा, यहाँ पे इसको जाने नहीं दे रहा। सो दोनों केसेस में क्या हो रही है, अपोजिशन हो रही है। सो स्टूडेंट्स यही बात जो है लेंसेज ने डिस्कस की, और इससे पहले जो फैराडे लॉ का हमारे पास मैथमेटिकल फॉर्म था, इसमें पर ये नेगेटिव साइन जो है डाल दी गई कि दिस नेगेटिव साइन शोज that the EMF induced in the coil will always oppose the cause। और इस EMF induced होने की cause क्या है, changing magnetic flux, changing a magnetic flux। ये इसी magnetic flux जो change हो रहा है उसी change की क्या करेगा, opposition करेगा। अगर first case में change क्या हो रहा है, decrease magnetic flux increase हो रहा है, तो वो उस increase की opposition कर रहा है। यहाँ पे मैग्नेटिक फ्लक्स क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, सो यहाँ पे ये उस डिक्रीज की अपोजिशन कर रहा है। सो दोनों केसेस में अगर हम देखें तो यहाँ पे क्या आ रही है, अपोजिशन ही आ रही है। नाउ अब हम फाइंड आउट करते हैं, फॉर एग्जांपल यहाँ पे गैल्वानोमीटर जो है आपको डिफ्लेक्शन शो करेगी, लेट इस डायरेक्शन, क्योंकि करंट प्रोड्यूस हो गया तो ये इस डायरेक्शन में। अब इस करंट की डायरेक्शन क्या होगी, इस कॉइल में या इस सर्किट में करंट की डायरेक्शन क्या होगी। सो करंट की डायरेक्शन को फाइंड आउट करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, राइट हैंड रूल। क्या यूज़ करते हैं, राइट हैंड रूल। हमें पता है कि जब भी हमारे पास किसी कॉइल या हम जो कॉइल में करंट की डायरेक्शन को फाइंड आउट करते हैं, सो ये राइट हैंड रूल है कि ये जो हमारे पास थंब है, दिस इज़ इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड, और ये जो कॉल फिंगर्स ये हमें क्या बताएगा, डायरेक्शन ऑफ करंट, डायरेक्शन ऑफ करंट। सो अगर हम देखें इस कॉइल में करंट की डायरेक्शन को फाइंड आउट करने की कोशिश करते तो देखो ये हमारे पास नॉर्थ पोल है, इस साइड में ये जो फेस है जो मैग्नेट की तरफ है, तो इसकी डायरेक्शन में हमारे पास क्या हो जाएगी, ये फील्ड की डायरेक्शन थंब, ये जो कर्ल फिंगर्स ये आपको क्या शो करेगा, डायरेक्शन ऑफ करंट। तो मतलब ये हुआ दिस इज द डायरेक्शन ऑफ फील्ड, ये डायरेक्शन ऑफ करंट, तो मतलब डायरेक्शन ऑफ करंट जो ये है अपवर्ड डायरेक्शन। तो मतलब ये हुआ कि हमारे पास इस केस में जो करंट प्रोड्यूस हो रहा है वो क्या है, एंटी क्लॉकवाइज। क्या है हमारे पास, एक दफ़ा अगर आपको फेस की पोलैरिटी का पता चल गया कि हमारे पास फेस की पोलैरिटी क्या है, नॉर्थ पोल या साउथ पोल। तो जब इसका पता चल जाए तो हम इजीली क्या कर सकते हैं, करंट की डायरेक्शन को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इस केस में जो करंट की डायरेक्शन है वो हमारे पास क्या है, एंटी क्लॉकवाइज। अब इस तरफ आते हैं, ये हमारे पास है साउथ और नॉर्थ पोल क्या होगा उस साइड पे, तो फील्ड लाइंस तो वहाँ से बाहर जाएंगे। अगेन अब देखो मैं इस थंब को जो है फील्ड की डायरेक्शन में, तो इस कायल की, मैं इस मैग्नेट की बात नहीं कर रहा, यहाँ पे इस कायल में जो फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है तो इसका साउथ पोल तो इस साइड पे, नॉर्थ पोल दूसरे साइड में। तो हम जो है ये थंब हमेशा डायरेक्शन ऑफ फील्ड की तरफ करते हैं, तो ये डायरेक्शन ऑफ फील्ड। अब ये जो है हमारे पास करंट की डायरेक्शन होगी, ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज। ये तो मतलब ये हुआ कि इस केस में हमारे पास जो करंट की डायरेक्शन है वो ये है, ये करंट की डायरेक्शन। सो दिस इज करंट की डायरेक्शन। सो इस केस में जो करंट की डायरेक्शन है वो क्या है, क्लॉकवाइज, और यहाँ पे जो हमारे पास करंट की डायरेक्शन है वो क्या है, एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। सो ये जो है हमारे पास करंट की डायरेक्शन, हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन हमें पता चल गया, इसकी वजह से हमने करंट की डायरेक्शन को फाइंड आउट कर लिया यूजिंग राइट हैंड रूल। हमने क्या यूज कर लिया, राइट हैंड रूल टू फाइंड डायरेक्शन ऑफ करंट इंड्यूस इन अ कॉइल, इंड्यूस इन अ कॉइल। अच्छा, यहाँ तक तो बात हो गई इसके अपोजिशन की। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे एक पॉइंट है जिसको हम कहते हैं कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे जो करंट प्रोड्यूस हो गया या जो एनर्जी आउटपुट पे हमारे पास आ रही है ये कहाँ से आ गई, ठीक है, क्योंकि हमें पता है अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी कि हम जो एनर्जी इनपुट पे देते हैं वो हमें उतना ही आउटपुट पे मिल रहा है। या हम कहते हैं कि एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड बट इट कैन चेंज फ्राम वन फॉर्म ऑफ एनर्जी इनटू अनदर फॉर्म ऑफ एनर्जी। अब यहाँ पे जो हमारे पास इलेक्ट्रिकल एनर्जी आ रही है ये कहाँ से आ गई, ना तो हमने इसके साथ कोई सोर्स लगाया हुआ है कि हमने इनपुट पे कोई सोर्स लगाया हुआ हो जिसकी वजह से हमारे पास आउटपुट पे एनर्जी आ रही है, सही है। तो यहाँ पे तो हमने कोई एनर्जी नहीं लगाई, मीन्स इनपुट पे हम कोई एनर्जी नहीं दे रहे, सो आउटपुट पे एनर्जी कहाँ से आ गई। सो यहाँ पे हम फिर थोड़ा सा जो है डिस्कशन कर लेते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो यहाँ पे अगर हम देखें, हम जो है बाद अक्सर स्टूडेंट ये क्वेश्चन पूछते हैं कि सर यहाँ पे जो हमारे पास करंट आ रही है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, कहाँ से आ गई, हमने तो इनपुट पे कोई एनर्जी जो इसको नहीं दी है, मींस यहाँ पे कोई सोर्स हमने नहीं लगाया, सो आउटपुट पे ये सोर्स, ये एनर्जी कहाँ से आ गई। तो असल में अगर हम देखें तो ये लॉजिकल क्वेश्चन भी है, और वहाँ पे जो हम कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की बात करते हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की, एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड बट इट कैन चेंज फ्राम वन फॉर्म ऑफ एनर्जी टू अनदर फॉर्म ऑफ एनर्जी। सो यहाँ पे इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो आ रही है हमारे आउटपुट पे, हमारे पास ये कहाँ से आ रही है, व्हाट इज़ द रीज़न, व्हाट्स द रीज़न हमारे पास कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी यहाँ पे इस केस में भी और इस केस में भी ये कहाँ से आ रही है। सो अगर स्टूडेंट थोड़ा सा हम देखें, यहाँ पे हम मैग्नेट को फॉरवर्ड डायरेक्शन में और बैकवर्ड डायरेक्शन में क्या कर रहे हैं, मूवमेंट कर रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं, फॉरवर्ड डायरेक्शन में और बैकवर्ड डायरेक्शन में हम मैग्नेट को क्या करें, मूव करें। सो दिस इज द मैकेनिकल एनर्जी। यहाँ पे हम क्या दे रहे हैं, मैकेनिकल एनर्जी दे रहे हैं, और यही मैकेनिकल एनर्जी जो है, यही वर्क डन जो है ये चेंज हो रही है किस चीज़ में, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, क्योंकि इसकी वजह से फ्लक्स में चेंज आ रहा है और वही फ्लक्स में चेंज जो है आपके लिए करंट जो है आउटपुट पे इंड्यूस कर रहे हैं। सो यहाँ पे जो आउटपुट पे करंट आ रहा है या जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी हमें मिल रही है ये कहाँ से आ रही है, यहाँ पे जो है हम मैकेनिकल वर्क डन कर रहे हैं जिसकी वजह से हमारे पास आउटपुट पे आपको करंट मिल रही है। सो हमारे पास जो इनपुट है, इनपुट पे हम क्या दे रहे हैं, इनपुट साइड पे, इनपुट साइड पे हम मैकेनिकल एनर्जी दे रहे हैं, मैकेनिकल एनर्जी मिल रही है, और वही जो है मैकेनिकल एनर्जी जो है आउटपुट पे किस चीज़ में कन्वर्ट हो रही है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। सो मतलब ये हुआ कि यहाँ पे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की वायलेशन नहीं हो रही, बल्कि हम ऑलरेडी इनपुट पे एनर्जी दे रहे हैं और वही इनपुट एनर्जी जो है जो मैकेनिकल फॉर्म में है वो जो है कन्वर्ट हो रही है किस चीज़ में, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। सो होपफुली स्टूडेंट्स आपको जो है लेंज़ लॉ की समझ आ चुकी होगी कि लेंज़ लॉ हमारे पास क्या थी, वो डायरेक्शन के बारे में पता चल गया आपको कि राइट हैंड रूल को हम यूज़ करते हुए करंट की डायरेक्शन को भी फाइंड आउट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।